जादू का सिलसिला। श्रोताओं नमस्कार, हमारी गीत संगीत की दुनिया बहुत समृद्ध है और इसे समृद्ध किया है गीतकारों ने, संगीतकारों ने। कई महान संगीतकार हुए, कुछ ने तो अकेले दम पर ही अपने हुनर का परचम लहरा दिया, तो वहीं कई ऐसे संगीतकार भी हैं जिन्होंने जोड़ी बना ली और अलग अलग नाम से जाने गए। बहुत सारे नाम हैं, लेकिन सफलतम जोड़ियों में से एक जोड़ी जिन्हें आप और हम LP के नाम से भी जानते हैं, जी हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ६३ से इस संगीतकार जोड़ी ने जो अपने संगीत का सफर शुरू किया, तो बस हम सब ने एक साथ मिलकर यही कहा, आप आए बाहर आई। दोस्तों, इतनी विविधता कि पूछिए मत। शास्त्रीय संगीत के साथ साथ पश्चिमी संगीत की रचना, लोक धुन और अर्धशास्त्रीय संगीत के लिए भी आप जाने जाते हैं। फिर तो मुजरा हो, कव्वाली या फिर देशभक्ति गीत। हर विधा में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने अपनी पहचान बनाई, प्रसिद्धि हासिल की और हम सबके दिलों पर राज किया। तरह तरह के वाद्य यंत्रों का प्रयोग करना तो जैसे इनके लिए बाएं हाथ का खेल था। क्यों, ढपली वाले याद है ना? वहीं सरगम से भी गीतों को सजाकर इन्होंने गीत में चार चांद लगा दिए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की बात हो तो कौन सा गीत याद किया जाए, किन किन गीतों पर चर्चा की जाए, बहुत मुश्किल है। अब 1, 2, 3 से लेकर 11, 12, 13 तक कैसे भूल सकते हैं हम सब। जी हाँ, ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के संगीत का जादू ही कहा जाएगा, जिसके आगे सारे नजारे फीके पड़ जाते हैं, दिन में रात हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, गीत बजता है और बस समझ में आ जाता है कि इसमें संगीत किसका है। अब वो चाहे किसी राग पर भी आधारित हो सकता है, डिस्को धुन पर भी आधारित हो सकता है। याद आ जाता है वो गाना सावन का महीना, लेकिन मिलन फिल्म के तो हर गीत सबकी जबान पर चढ़ गए थे उस समय, और आज भी उतनी ही शिद्दत से हम उन सब गीतों को याद करते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के संगीत से हम सब वाकिफ हैं, उनके प्रशंसक हैं और दिलों में बसाए हुए हैं। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। दोस्तों, कार्यक्रम यादों का सिलसिला, आजकल आप सुन रहे हैं संगीतकार लक्ष्मीकांत कुडालकर जी की बातें। उनको क्या पसंद, वो क्या खाना पसंद करते थे, उनके घर में महफिलें कैसी सजती थीं, कहाँ घूमने जाते थे और कैसे तमाम जो धुनें हमें मिली वो सब कैसे बन जाते थे, ये सारी बातें बता रही हैं उनकी श्रीमती जी जया लक्ष्मीकांत जी और उनकी सुपुत्री राजेश्वरी लक्ष्मीकांत। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों का सिलसिला में, इस कड़ी में सुनते हैं और ढेर सारी बातें। एक बार राजकुमार कोहली जी आए थे हमारे वहाँ, वो उनकी डेथ के बाद, उनकी डेथ के बाद वो हमें मिलने आए थे घर पे, तो वो आए तो बहुत भावुक हो गए, लिटरली क्राइंग, लिटरली क्राइंग। तो हम सब पुरानी फिल्मों की बातें कर रहे थे, ये वो, कि राजकुमार कोहली जी की उन्होंने 12 फिल्मों में म्यूजिक दिया, मुझे लगता है 12 या 13 फिल्म, और सब सुपरहिट म्यूजिक दिया। तो उन्होंने कहा कि बेटा, मैं आता था जब म्यूजिक रूम में और मैं डैडी को एक इंसिडेंट बताता था कि बस ये इंसिडेंट पे मुझे आप गाना बना के दीजिए।
तो लक्ष्मी जी मुझसे कहते थे कि राज जी आप दो चार दिन के बाद आइए फिर मैं आपको बताता हूँ। बोले एक बार मैं गया दोबारा उनके पास, उन्होंने मुझे 15 धुने सुनाई। अच्छा। और मैं चूज नहीं कर पा रहा था कि पहली धुन अच्छी है, दूसरी धुन अच्छी है या 15वीं धुन अच्छी है। मैं इतना असमंजस में आ गया जी। बिल्कुल। तो ऐसे उन्होंने काम किया। तो बोले वो तो मतलब इतना रोने लगे सुन के, मतलब कभी मैं कौन सी लूं, सभी इतनी लाजवाब, सभी इतनी अच्छी, सभी इतनी लाजवाब धुने थी। धीरे धीरे बोल कोई सुना ले, सुना ले कोई सुना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुना ले, सुना ले कोई सुना ले, सेज से कलिया चुना ले, चुना ले कोई चुना ले, हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं, कह ले कुछ कर ले ये संसार, हम प्रेमी हैं हम तो करेंगे प्यार, कुछ कह ले कुछ कर ले ये संसार, हम प्रेमी हैं हम तो करेंगे प्यार, कोई देख ले तो देख ले, कोई जान ले तो जान ले, कोई दोष हमारे सर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं, धीरे धीरे बोल कोई सुना ले, सुना ले कोई सुना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुना ले, सुना ले कोई सुना ले, आँखों से लो काम, वरना हम हो जाएंगे रे बदनाम, बातों के बदले आँखों से लो काम, वरना हम हो जाएंगे रे बदनाम, नादान तुम अनजान तुम, लोमान तुम बेईमान तुम, कोई जोर जवानी पर नहीं, धीरे धीरे बोल कोई सुना ले, सुना ले कोई सुना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुना ले, सुना ले कोई सुना ले, दिन अब लगता है एक साल, तेरे बिन अब मेरा भी है यही हाल, एक एक दिन अब लगता है एक साल, तेरे बिन अब मेरा भी है यही हाल, आ प्यार कर दुनिया से डर, मत दूर जा मत पास आ, मैं शीशा कोई जोर जवानी पर नहीं, धीरे धीरे बोल कोई सुना ले, सुना ले कोई सुना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुना ले, सुना ले कोई सुना ले, हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं, धीरे धीरे बोल कोई सुना ले, सुना
आप जैसा बता रही थी कि रिहर्सल होता था, तो रिकॉर्डिंग के लिए कहाँ जाते थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी? महबूब स्टूडियो और तारदे फेमस स्टूडियो। उनको ना प्यारेलाल जी को तो कोई स्टूडियो पसंद नहीं आया। उनका एक दिमाग था कि सिर्फ महबूब में ही गाने हो, क्योंकि उनको वो जो रिटर्न मिलता था महबूब स्टूडियो से, मेरे ख्याल से, और तारदेव फेमस पहले था, अच्छा उसके बाद वो ये हो गए जरा, तो महबूब स्टूडियो। बाकी एक दो एक बार राज कपूर की मैं बात सुनाती हूँ आपको। मैं शायर तो नहीं गाना जी, तो राज जी ने बोला कि नहीं भाई शायर तो नहीं गाना जो है वो, कुछ 12 प्रोड्यूसर ने, यूनाइटेड प्रोड्यूसरों ने मिलके एक स्टूडियो बनाया था जिसमें रिकॉर्डिंग वगैरह सब हो। तो बोले आपको नवरंग मिठाई है, तो बोले कि ये आपको वहीं करना पड़ेगा रिकॉर्डिंग, क्योंकि हम लोग ने इतना अच्छा रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाया और आप लोग जैसे गुणीजन नहीं वहां काम करेंगे तो कैसे गाना चलेगा? तो कैसे चलेगा? तो लक्ष्मीकांत जी ने, प्यारेलाल जी ने अग्री किया कि चलो ठीक है हम लोग वहां देख लेंगे। फिर उन लोग ने ये गाना रिकॉर्ड किया। मैं शायर तो नहीं, शैलेंद्र सिंह ने गाया और काफी उन्होंने उस दिन पार्टी वार्टी मुहूर्त का गाना सबको इन्वाइट किया था। अच्छा, तो गाना वाना हो गया। अभी इन लोग घर आए लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी और तो सुनते हैं वो गाना, म्यूजिक उनमें उन्होंने लगाया, दे वर नॉट सेटिस्फाइड। अच्छा, रिकॉर्डिंग से उन लोग नहीं खुश हुए। बोले नहीं वो बात नहीं, जो हम लोग को चाहिए वो बात नहीं। अच्छा, फिर उन्होंने राज कपूर जी को फोन किया कि राज जी वो मजा हम लोगों को नहीं आ रहा है, आपके बोलने पे भले हमने की हो रिकॉर्डिंग, हम वापस जाएंगे महबूब में। अच्छा, आप क्या बोलते हो? बोले आप लोग गुणी जानो, आप लोग को जो अच्छा लगे करो, जाने दो। वापस किया, फिर से रिकॉर्ड वही गाना वापस वही म्यूजिशियन को साथ सब किया, मैं री रिकॉर्ड किया। शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर हसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायर दुश्मन तो नहीं, मैं दुश्मन तो नहीं, मगर हसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको दोस्त दी।
कर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठा कर मैं क्या मांगता, सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठा कर मैं क्या मांगता। जब से तुझसे मोहब्बत मैं करने लगा, तब से जैसे इबादत मैं करने लगा, मैं काफिर तो नहीं, मैं काफिर तो नहीं, मगर हसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको बंदगी आ गई, मैं शायर घर में रिहर्सल होती थी, या जैसे कि आप बता रही हैं कि आपके बेडरूम से लगा हुआ था, तब लक्ष्मीकांत जी मतलब किस समय धुन बनाते थे, सुबह के समय ज्यादा या रात को? सुबह 9 बजे जो बैठते थे जी, तो 2 बजे तक कितनी बार मैं बोलती थी आप नहा लो, अब कि कोई गोली नहीं आती नहाने की मतलब मुझे इतना टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। अच्छा। हाँ, तो इन लोग सुबह 9, 9:30, 10 बजे से दोपहर को 2 बजे तक। अच्छा। 2 बजे आ जाते थे, ब्रेक होता था, फिर खाना वाना खाया, 1 घंटा नैप लिया, सोए, 4:30-5 बजे से वापस, जो रात को 10, 10:30-11 बजे तक। हाँ जी, ऐसा ही रोज रोज रोज। तो ये तो हो गया बाकी सबके साथ का मामला। हाँ। लेकिन क्या कभी अकेले में बैठ के कोई ऐसी धुन याद आई और वो बनाने लगे? बहुत बार। क्या करते थे फिर? हमको तो बताते ही नहीं थे, मतलब उनको जब भी ऐसा कुछ सूझता था तो जो भी उस वक्त पे होगा, जैसे अगर मैं नहीं, उनके पास इतना था छोटा सा टेप रिकॉर्डर, एक एंटीक टेप रिकॉर्डर था। अच्छा। सब... सुबह गई देख के लक्ष्मी जी मैं आपको एक नया टेप रिकॉर्ड देता हूँ इसको, बोले नहीं ये मेरी जान है। अच्छा। वो टेप रिकॉर्डर क्या उनको ऑपरेट करने को बहुत इजी पड़ता था, तो कभी कभी तो नहाते नहाते भी उनको कोई धुन आ जाती थी, टॉवेल बांध के आ जाते थे, मेरे टेप रखूंगा जल्दी, मेरा टेप रिकॉर्डर लाऊ, मुझे कुछ बहुत अच्छा सूझ रहा है तो मैं बस रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ऐसा ऐसा। तो वो बहुत इम्प्रॉम्प्टू होता था। हाँ। मुझे एक दिन तो मैं लक्ष्मी जी पार्टी में जा रहे थे, मेरे ख्याल से मोहन कुमार जी की बर्थडे थी। अच्छा। वो हमारे बाजू में ही रहते, तो ऐसे हम लोग 10, 10:30 बजे लेट हो गए थे, वो म्यूजिक रूम से नीचे आए और हम लेटे थे, बस निकलने का बोनी कपूर आ गए। अच्छा। और बोनी कपूर आके बोले कि नहीं लक्ष्मी जी मेरी 4 तारीख को पिक्चर का मुहूर्त है, रूप की रानी चोरों का राजा, और आप मेरे को बोले, लक्ष्मी जी बोले बोनी मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं धुन कभी बना नहीं, नहीं आप कुछ भी कीजिए मेरे को, बोनी मेरे को मोहन कुमार की यहाँ पार्टी में जाना है और ऑलरेडी हम लोग लेट है, नहीं नहीं आप और 10 मिनट रुको आप कुछ कीजिए। अच्छा मैं देखता हूँ, मैं तेरे को, तू मेरे को कल मिल सुबह। तो बोनी बोला ठीक है चलो, इतने में बोले ठहर कुछ आया है दिमाग में कुछ दिमाग में ऊपर से टेप रिकॉर्डर मंगाया। अच्छा। और फिर तुरुपनानी मैं चोरों का राजा, मैं चोरों का राजा। तो देखो टाइटल वो ही है, एक पुरानी देवानंद की पिक्चर आई थी वहीदा रहमान, तुरुप की रानी मैं चोरों कर तेरा मेरा प्यार निरख। तो अभी मैं बोलूं ये आदमी वो धुनिया आएगी ना दिमाग में, अगर मुझे कोई बोले कि तू रूप की रानी चोरों का राजा के ऊपर कोई गान, तो मेरे में हम जैसे लोगों शब्द वही है, तो वही आएगा, शब्द वही है, तो शब्द तो वही है। उन्होंने क्या, और विद इन 5 मिनट्स। अच्छा। यस यस यस। बोली खुश हो गए चलो। रात को 3 बजे गाने बनाए हम लोगों ने। अच्छा। क्योंकि गणपति में हम लोग अच्छी रात जागते थे, तो बोलते थे मेरे को 10 मिनट टाइम देना, मैंने बोनी को टाइम दिया है। अच्छा। रात को 3 बजे। अच्छा।
उसको भी नींद नहीं आती थी। ये तो कैसे हम लोग जागते थे गणपति के लिए, हमको जागना ही पड़ता था घर में गणपति हो। गए ऊपर म्यूजिक रूम में जी, और वही आई लव यू मिस्टर इंडिया काटे मिस्टर इंडिया गाना। बहका बहका मेरा ये मन, महका महका
तेरा बदन बहका बहका मेरा ये मन छलका छलका रूप तेरा हलका हलका नशा मेरा छलका छलका रूप तेरा हलका हलका नशा मेरा नशा मेरा नशा मेरा नशा मेरा जब आई गई मैं पास से कह दूं जो दिल में है मेरे जब आई गई मैं पास से कह दूं जो दिल में है मेरे लाज में कहती हूँ I love you जो दिल की बात कोई नहीं है बस तुम हो साथ कहनी थी तुमसे जो दिल की बात लाज में कहता हूँ I love you अच्छा ये बताइए ये तो जैसे बड़ा अच्छा लग रहा है सुनकर के हाँ हर वक्त धुन बनाते थे लेकिन जैसे कि उस दिन बर्थडे में जाना था आपको और देर हो गई या कभी ऐसा होता था कि आपकी पेरेंट टीचर मीटिंग है और पापा नहीं गए कभी तब कभी कोई दिन मेरे डैड कभी नहीं आए उनको इतना भी नहीं पता था कि मैं और मेरे भैया किस स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं अच्छा सिर्फ उनको पता था कि मेरे घर के पीछे कहीं स्कूल है जिसमें बहुत बड़ी स्कूल है जिसमें मेरे बच्चे जाते हैं अच्छा हाँ मगर वो बहुत खुश होते थे जब हम लोग स्कूल में कुछ विन करके आते थे या कुछ क्लास में फर्स्ट आते थे तो उनको बहुत खुशी होती थी आपको कभी खराब नहीं लगता था कि पापा नहीं जरा भी नहीं जरा भी नहीं उन्होंने वो पूरी भरपाई मम्मी कर लेती थी हाँ अच्छा। मम्मी पूरी हाउसवाइफ थी तो मम्मी वो सारी कमियां उनकी पूरी करती थी उन्होंने आज तक स्कूल को सिर्फ बाहर से देखा है कभी अंदर भी नहीं आए अच्छा कहीं ऐसा आपको प्रिविलेज मिला कि हाँ आप लक्ष्मीकांत जी की बेटी हैं स्कूल में काफी मिलता था क्योंकि वो हमेशा फर्स्ट आती थी सिंगिंग अच्छा। में मैं बहुत गाती थी हाँ अच्छा हाँ और स्टडीज में भी फर्स्ट आती थी लेकिन हम लोग मैं और मेरे ब्रदर ऐसे बच्चे थे कि हम लोग कभी वो प्रिविलेज लेते नहीं थे क्योंकि हमारे डैडी का इतना नाम है तो हम उस बात का कुछ प्रिविलेज ले जी नहीं हमने वो प्रिविलेज कभी नहीं लिया आप हाउसवाइफ तो थीं लेकिन उसके साथ साथ अब जैसे कि लक्ष्मीकांत जी बाहर जाते थे कंसर्ट वगैरह के लिए स्टेज शोज के लिए तो आप जाती थी साथ में स्टेज शो के तो जाते थे हम लोग जी क्योंकि हम लोग ने ज्यादातर इंडिया में किया ही नहीं है जी हम लोग ने यूएस में यूके में किया है तो पूरी फैमिली हम लोग जाते थे ना क्योंकि डेढ़ दो महीने का हमारा टूर होता था और सुपर शो होते थे हमारे सब कोई शो की यादें काफी मतलब कितने म्यूजिशियंस होते थे 35 म्यूजिशियन मतलब 55-60 का ग्रुप तो बोलते कहीं हिस्ट्री में रिकॉर्ड है इतना बड़ा ग्रुप गया ही नहीं और सुपर शो एक शो में सुभाष घई ने बताया जी कि उनके कोई फ्रेंड थे उन लोग हमारे यूएस के शो देखने आए थे 84 में तो उन दिनों में हमारे साथ राजेश खन्ना शबान आजमी और पद्मिनी कोल्हापुरे तीनों थे तो जब सुभाष घई ने दूसरे दिन फोन किया न्यूयॉर्क को कि कैसा लगा कल लक्ष्मीकांत पैरेलल का न्यूयॉर्क में शो था तो बोले कि शो इतना अच्छा था मगर एक रिक्वेस्ट है कि आप लक्ष्मीकांत पैरेलल को ये बात जरूर बोलना तो सुभाष जी ने पूछा क्या अगले टाइम से आर्टिस्टों को मत लाइए हम लोग को डिस्टर्ब हो रहा है म्यूजिक में यानी अभिनेत्री या अभिनेता कोई अभिनेता ना चाहिए हम लोगों को सिर्फ संगीत चाहिए संगीतकार चाहिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बिल्कुल ये था उनके गाने का जादू और रेणु जी जब हम उनके गानों की लिस्ट बनाते थे शो के लिए समझ में नहीं आता था कि हम ये गीत लें या वो गीत लें मतलब मेरा ऐसा मानना है कि अगर महीने के 300 दिन हम एक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल शो करें तो भी कम पड़ेगा और हर बार नए गीतों के साथ बिल्कुल हर सही बात है इतना उनका खजाना है गीतों का और एक इंसिडेंट था कि बहुत साल पहले जब बिचारे बिगनर थे एलपी दोनों म्यूजिशियन थे उन लोग एस मुखर्जी के पास गए जी जी कि हमें कुछ
काम दो। उन दिनों में एस मुखर्जी काफी न्यू कमर को चांस देते थे जी, जैसे उषा खन्ना को भी दिया था जी। तो इन लोग ने सोचा कि क्यों ना हम लोग भी चांस ले। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी दोनों गए, एस मुखर्जी को मिले और उन्होंने 28 धुने सुनाई। अच्छा। एस मुखर्जी को 28 धुने तो सुने उन्होंने सब गाने। फिर थोड़ी देर के बाद बोले कि आपको लगता है कि आप आ सकते हैं एज ए म्यूजिक? मुझे नहीं लगता है। अच्छा। ये आप लोग के धुनों में दम नहीं है। तो देखिए आगे और कुछ काम कीजिए, अच्छा किया तो आप आना मैं आपको। उसके बाद उनके हर बेटों ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक लिया।
चैन मत जगाइए। कुछ नहीं कहूंगा मैं नाक तो कांधे से उठाइए। ऐसी नींद आए है कि बॉबी फिल्म से जुड़े हुए गाने बनाने का, उनके धुन बनाने की कोई वाकया आप बता रही थी अभी कि बॉबी के लिए राज कपूर जी ने कुछ शर्तें रखी थी, फिर लक्ष्मीकांत जी ने कुछ की। तो शर्त थी जी कि जब बॉबी साइन की जी तो उन दिनों में लता मंगेशकर जी नहीं गाती थी राज कपूर, उनका होगा कुछ जी। तो मुकेश जी आए थे, बोले कि राज कपूर जी आपको साइन करना चाहते हैं। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बोले कि नहीं, आज तक शंकर जी का काम करते थे जी, हम नहीं करें संग। तो मुकेश जी ने बोला कि अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा जी, और उनका इतना दिल है कि वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को नहीं, और दूसरी भी हमारी कंडीशन के दीदी तो गाती नहीं, लता जी तो गाती नहीं, और हम उन्हीं से गवाएंगे जी। तो उस बारे में फिर मुकेश जी ने बोला सोच लो, मैं ये जाके राज जी को कन्वे करता हूँ आपका मैसेज कि क्या करना है क्या नहीं। तो मुकेश जी ने जाके राज जी को बोला कि भाई उन लोग अग्री तो हुए मगर उनकी एक कंडीशन है कि गाएगी तो दीदी गाएगी हमारे गाने जी, और कोई नहीं गाएगा। तो फिर राज जी भी मान गए, फिर राज जी ने कहा कि ठीक है साइन कर लिया। बोले नहीं मैं नहीं आऊंगा आपके म्यूजिक उनके ऊपर, आप लोग को मेरे वहां आना पड़ेगा आर के स्टूडियो में। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बोले नहीं हम ये नहीं करेंगे, हम आपके यहाँ नहीं आएंगे, हमारे इतना म्यूजिक रूम है, हम लोग इतने रिलैक्स है, हमको मालूम है क्या है कि आप वहां आइए, हम नहीं आपके आएंगे, क्योंकि हमको आदत ही नहीं है कि ढोलक तबला उठा के हम कहीं और घर घर जाके हम लोग म्यूजिक सुनाए। तो राज जी वो भी बात मान गया, और फिर उसके बाद तो बॉबी सत्यम शिवम सुंदरम प्रेम रोग जबरदस्त हिट फिल्म है और हिट गीत सब।
शाम तक था एक भमरा फूल पर मंडला रहा, रात होने पर कमल की पंखड़ी में बंद था। कैद से छूटा सुबह तो हमने पूछा क्या हुआ, कुछ न बोला कुछ न बोला कुछ न बोला, अपनी धुन में बस यही गाता रहा। मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ, ये किसने शुरू की हमें भी सुनाओ। शम्मा तो मचल कर परवाना आ गया, आग के दामन में अपने आप को लिपटा दिया। हमने पूछा दूसरे की आग में रखा है क्या, कुछ न बोला कुछ न बोला कुछ न बोला, अपनी धुन में बस यही गाता रहा। मोहब्बत है क्या जा रहा था मैं से रिश्ता जोड़ के। हमने पूछा किस लिए तू उम्र भर बीता रहा, कुछ न बोला कुछ न बोला कुछ न बोला, अपनी धुन में बस यही गाता रहा। मोहब्बत है क्या चीज हमको बता, हमको बताओ ये किसने शुरू की हमें भी सुनाओ। मोहब्बत है क्या चीज़, मोहब्बत है क्या चीज़, मोहब्बत है क्या चीज़। गानों के धुन की बात में कहाँ से प्रेरणा लेते थे लक्ष्मीकांत जी?
आपको क्या लगता है? कहीं से नहीं, मुझे लगता है उनको नेचुरल गिफ्ट थी। सबसे पहली बात मुझे लगता है वो बहुत टैलेंटेड थे, बहुत उन्होंने बहुत मेहनत की जी। इन दो चीजों को साथ रखें तो मुझे लगता है फिर माँ सरस्वती का उनपे बहुत आशीर्वाद था। उन्होंने बहुत मेहनत की अपनी पूरी जीवन में, बहुत मेहनत, तपस्या दिखाई देती है उनके काम में। बिल्कुल बिल्कुल, और वो कभी हार मारने वालों में से नहीं थे जी। बिल्कुल, मतलब इमोशनल बहुत थे। जब किसी प्रोड्यूसर के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और फिर वो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर जाके किसी और संगीतकार के साथ काम करे तो उनको दुख बहुत होता था। ये तो हम उनके परिवार वाले हैं तो हम वो देख सकते थे, उनको दुख बहुत होता था क्योंकि जब उन्होंने इतना अच्छा काम किया। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है, मेजॉरिटी प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स ने उनके साथ 10 या 12 फिल्में तो की ही है। इसमें जो टी रामाराव जी हैं उन्होंने मेरे डैडी के साथ 18 फिल्में की हैं, 18 फिल्में। बहुत, जैसे सुभाष जी ने कुछ 9 फिल्में की हैं, राजकुमार कोहली ने 12 फिल्में की हैं, जे ओम प्रकाश जी ने 10 से 12 फिल्में की हैं, मोहन कुमार जी ने, और ऐसे भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं जिन्होंने एलपी को छोड़ के कहीं बाहर किसी और के साथ काम ही नहीं किया। जैसे बलदेव पुष्करना जिनकी माँ और ममता, कितनी खूबसूरत पिक्चर है उनका म्यूजिक। बलदेव का तो म्यूजिक बहुत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने अच्छा दिया था, सच्ची बोलूं। मदन मोहला, सेवन आर्ट्स, राजा जानी, शराफत, दसनम दी, मुझे लगता है एक हद तक एक कृष्णमूर्ति जी भी। मनोज जी ने दो तीन, कितनी की, रोटी कपड़ा मकान जी ने 3 फिल्में, शोर और क्रांति। इस बारे में आपको क्या लगता है कि पुरानी जो उनकी अपनी खुद की धुनें थी वो क्या उनको याद रहती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं याद रहती थी रेणु जी, जी। क्योंकि हमने पूछा भी उनको एक क्वेश्चन कि हम कभी भी आपको बोलते कि वो गाना तो कौन सा गाना, अच्छा ये मेरा गाना था, ऐसा बोलते थे। अच्छा, ऐसा तो हमने कहा कि आप क्यों ट्यूने भूल जाते हैं, अगर ये वो याद करूंगा तो नहीं कैसे बनाएंगे। अच्छा, इसलिए पुराने भूल जाते थे। भूल जाते, एक बार गया वो गया। तो बाकी घर के मामले में याददाश्त कैसी थी? ओ बिल्कुल नहीं, तभी ज्यादा ड्राइवर भी नहीं होते थे जी। नजदीक था हमारे घर से महबूब स्टूडियो, मैं बोलती हूँ स्टूडियो में उतर के मुझे गाड़ी भेजिए, मुझे काम है। अच्छा गाड़ी मैं अब भी भेजता हूँ, फिर जाएंगे। एल अब गाड़ी जरूर भेजना। हाँ, वहां जाके भूल गए। अच्छा, अभी उन जमाने में तो दिनों में न मोबाइल न कॉन्टेक्ट कैसे करने का, फिर रिकॉर्डिंग में भी फोन करो तो उन लोग बोलते थे कि मैडम टेक चल रहा है, ये वो चल रहा है, अभी वो भूल जाते थे। याद नहीं, क्या बोलूं, तो इस बात पे झगड़ा नहीं, तो भूलते नहीं। हाँ, हमारे यादें क्यों भूल, सब बातें क्यों भूल जाते हैं, उनके लिए संगीत से बढ़कर कुछ नहीं। तो जैसे धुन, आपने क्या कहा कि धुन नहीं भूलते थे? कभी नहीं, जो बनाई अगर कल के लिए कंपोज किया तो वो याद रहेगा। मेरा एक कंडीशन था, बॉम्बे पुणे कभी गए घूमने गए से, बोलती प्लीज आप गाड़ी में भी धुन नहीं बनाना। अच्छा, ऐसा? अरे अखा दिन काम काम, तुम क्यों जा रहे हम गाड़ी में? छुप के इसको बोलते थे कि ये टेप रिकॉर्डर डाल दे। अच्छा, मम्मी देखेगी तो गुस्सा करेगी, तेरी बैग में ये टेप रिकॉर्डर डाल देना, अगर तेरी माँ देखेगी तो गुस्सा होगी। मतलब उनका इतना प्रॉम्प्ट होता था कि अगर दोनों को किसी पार्टी में जाना है तो डैडी पहले तैयार होके नीचे हॉल में आके बैठते थे मम्मी को 10-15 मिनट कि चल तेरी माँ को तैयार होने में कितना समय। मैंने कहा डैडी 10-15 मिनट, मैं तब तक म्यूजिक रूम में जाता हूँ, मुझे कुछ कुछ आ रहा है, आ रहा है। अरे बाप रे। तो एक दिन हमारे यहाँ साधना जी, उनके हस्बैंड आर के नैयर जी आए थे, यश जौहर की पिक्चर बनी थी दोस्ताना। तो यश जी का उनका बहुत अच्छा फ्रेंडली था साधना जी का, और साधना जी हमारे साथ बहुत फ्रेंडली थी। तो सब आए ऊपर, फिर बोले कि यार एक गाना अटक गया, एक गाना अटक गया है दोस्ताना का, वो ही नहीं बन रहा है, चलो मैं देखता हूँ कल परसों, लक्ष्मी जी ने बोला। इतने में फिर सब नीचे हमारे यहाँ खाना खाने आने वाले डिनर पे आए थे, तो साधना जी बोले जया जी मालूम नहीं एक गाना कुछ अटका है, वो लक्ष्मी जी बोलते मेरे से बन ही नहीं रहा है, तो शायद कल परसों वापस। तो साधना जी ऐसे फ्रेंड आई थी, ऐसे ही नहीं, पिक्चर थी तो यश जौहर की। फिर सब बैठे बैठे थे तो उनका ध्यान ही नहीं कि गाना मेरे से बना क्यों नहीं, पूरा दिमाग गाना क्यों नहीं बना नहीं था। हाँ। कुछ करते हैं वो तो उसके बाद बोला अरे सोनिया, मतलब सरवंट को भी सोनिया, सोना प्यार से सोनिया ऊपर था मराठी में, बट लौकर था तुम ऐसा टेप रिकॉर्ड क्यों, क्योंकि म्यूजिक रूम में होता था वो जगह से हिलाते थे नहीं हम लोग कहीं और नहीं, उनकी एक डायरी जिनपे वो गाने लिखते थे। और ये आए बोले कि देखिए अगर यश जी मैंने कुछ सोचा है आपको, कैसा वो गाना मेरी बेटी का, कौन सा? वो ये गीत था, दिल लगी दे दी हवा थोड़ा सा दुआ उठा और आग जल गई।
जिंदगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई, तेरी मेरी दोस्ती, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। जिंदगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई, तेरी मेरी दोस्ती, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। जिंदगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा। बदल गई तेरी मेरी दोस्ती, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। ऐसे दिल धड़क गया, शोर दूर तक गया। ऐसे दिल धड़क गया, शोर दूर तक गया। क्या ये खून माफ है, ये कोई इंसाफ है। आंखों का था कसूर, छुरी दिल पे चल गई। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई, तेरी मेरी दोस्ती, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। शायरी का है शेर ये किसी का है, देखा तो हुस्न यार तबीयत मचल गई। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। दिल लगी मेरी हवा, हुआ उठा आग जल गई। प्यार में बदल गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई, प्यार में बदल गई, प्यार में बदल गई।
श्रोताओं, संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के स्वर्गीय लक्ष्मीकांत कुडाड़कर की यादें हमसे साझा कर रही थीं श्रीमती जया लक्ष्मीकांत एवं उनकी पुत्री राजेश्वरी लक्ष्मीकांत। आपसे बातचीत कर रही थीं रेणु चतुर्वेदी। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत की तीसरी कड़ी। तकनीकी सहयोग विनायक तड़वलकर, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। यादों का सिलसिला।